हमारा टॉपिक है प्रोपगेशन ऑफ एरर। ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ एरर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर मान लो मेरी दो क्वांटिटीज हैं, ठीक है, जिनको मिला के क्वांटिटी बन रही है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि अगर दो क्वांटिटीज है उनको मिला के एक क्वांटिटी बन रही है, दो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको मिला के एक अलग फिजिकल क्वांटिटी बन रही है, ठीक है, तो उन दोनों में कोई अलग अलग एरर होगा। मान लो मैं एक क्वांटिटी को नापने में एरर किया, दूसरे क्वांटिटी को नापने में एरर कर दिया, मेजर करने में दोनों में मैं एरर किया, है कि नहीं, तो जो मेरा रिजल्ट होगा, जो दोनों के मल्टीप्लिकेशन समेशन है किसी से भी बनेगा, ठीक है, उसमें भी एरर होगा, है ना। तो एरर वैसे क्या होता जाएगा, प्रोपगेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, मैं एक बार एग्जाम्पल लेके आपको एकदम अच्छे समझाने की कोशिश करता हूं कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। मैं डिस्टेंस नापने में भी गलती कर दी, मैं डिस्टेंस नापने में भी गलती कर दी, मैं टाइम नापने में भी क्या कर दिया, गलती कर दिया, मैं डिस्टेंस नापने में भी गलती कर दिया, मैंने टाइम नापने में भी थोड़ी सी गलती कर दी, ठीक है, मैंने टाइम नापने में थोड़ी सी गलती कर दी, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का जो एरर रहेगा, इन दोनों का जो नापा हुआ एरर रहेगा, वो मेरा स्पीड में भी प्रोपगेट हो जाएगा, मतलब मेरी जो स्पीड की जो आंसर आएगी वो भी गलत होती जाएगी। अब उस स्पीड से मान लो मैं एक्सेलरेशन नापा, एक्सेलरेशन नापने के बाद मेरा एक्सेलरेशन भी गलत हो जाएगा, है ना। अब एक्सेलरेशन गलत है मान लो, तो मैं उससे फोर्स नापूंगा तो फोर्स भी गलत हो जाएगा, है कि नहीं। अब फोर्स गलत है तो प्रेशर, मतलब बार बार क्या होता जाएगा, ऐसा ऐसा क्या होता जाएगा, ये आगे प्रोपगेट होता जाएगा, क्या होता जाएगा, बार बार ऐसा आगे प्रोपगेट होता जाएगा, ये पूरा एरर, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रोपगेशन ऑफ एरर बोलते हैं, ठीक है। आप लोग इसका एक बार डेफिनेशन देख लीजिए कि इसमें लिखा हुआ है, अब है ना, फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी, देन द कॉम्बिनेशन इफेक्ट ऑफ एरर इन देयर मेजरमेंट्स डिटरमाइन द एरर्स इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोपगेशन ऑफ एरर, ठीक है। अब प्रोपगेशन ऑफ एरर जो है वो अपने पास इतने टाइप के होते हैं। सबसे पहला मान लो दो क्वांटिटीज किसी एक समेशन से हो रही है, सबसे पहला मान लो सम, ठीक है, प्रोपगेशन इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज, ठीक है, प्रोपगेशन इन सम ऑफ टू कैसे एरर जो है वो प्रोपगेट होते जाएगा, ठीक है। चलो चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज, ठीक है, ए और बी क्या है, दो क्वांटिटीज है, ठीक है, तो क्या बोल सकता हूं मैं, लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी, जेड क्या मानो मैं, जेड क्या मैं मानू, जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी मान लिया, वही मेरी क्या है डिराइव क्वांटिटी, जो इन दोनों क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो इन दोनों क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, जेड जो है क्वांटिटी है वो इन दोनों क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है कि। चलो अब मान लो Z में कोई एरर है, मेरे को दिख रहा है, ठीक है, Z में कोई एरर मान लो मेरे को दिख रहा है, तो मैं क्या किया, एरर डेल Z ऐड कर दिया, एरर इन Z है ना, प्लस माइनस डेल Z एब्सोल्यूट एरर है कि नहीं, प्लस माइनस डेल Z है कि नहीं। तो जब Z में एरर है उसी कारण आएगा, A में भी एरर उसी कारण नहीं, और B में भी एरर उसी कारण नहीं। चलो इसको आगे करते हैं, A में क्या एरर है, प्लस माइनस डेल A है, ठीक है, प्लस B में क्या एरर है, प्लस माइनस डेल B है, है ना, इधर डेल जेड एरर था, ए में डेल ए एरर है, बी में डेल बी एरर है, तीनों एरर है, तीनों एरर है कि नहीं एरर। चलो अब आगे मैं कैसे लिख सकता हूं, जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू है ना ए प्लस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, ऐसे लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं क्या, एकदम आसानी है, चलो ठीक है ना। अब उसके बाद क्या लिख सकता हूं इसमें, z प्लस माइनस डेल ऑफ z इज इक्वल टू ए प्लस बी, मैं यहां पे शुरू में क्या लिया था, z लिया था, तो यहां पे कुछ a प्लस b है उसको मैं किस में चेंज कर दूंगा, z में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है, तो z प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b, डेल a प्लस माइनस डेल b, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, हां।
तो अब ये z इधर कट गया, z इधर कट गया, मतलब del z is equal to plus minus del z is equal to plus minus times of a plus del del a plus del b, ठीक है ना, del a plus del b होगा कि नहीं, इतना होगा कि नहीं, इतना होना चाहिए, है ना। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, if two quantities are summed together with some error, ठीक है, then the resultant quantities error, resultant quantities error will be equal to the summation of the error of both the quantities, ठीक है, मतलब दोनों quantities के error का क्या होगा, summation होगा, जो net error रहेगा वो, है कि नहीं। तो मतलब सम में क्या होता है, जब भी कोई दो क्वांटिटी सम होके अगर इसी क्वांटिटी बन रही है, तो जो क्वांटिटी बनी है उसमें जो एरर रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, जो दोनों क्वांटिटीज का मतलब सम किया है उसके एरर के समेशन के इक्वल रहेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग करते हैं सब्सट्रैक्शन की बात, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं, है ना, प्रोपेगेशन इन सब्सट्रैक्शन ऑफ टू क्वांटिटीज, ठीक है, फिर याद ले लेते हैं ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज, ठीक है, ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज, ठीक है, ए और बी यहां पे क्या है, दो क्वांटिटीज है, ठीक है, और एक जो जेड है, जो डिराइव्ड क्वांटिटी है, वो क्या है, ए माइनस बी, वो डिराइव क्वांटिटी पर क्या है, a माइनस बी है, ठीक है, जो डिराइव क्वांटिटी हमारे पास है वो क्या है, a माइनस बी है, मतलब अगर इसमें एरर हुआ और इसमें भी एरर हुआ तो इन दोनों के कारण एरर कुछ इसमें आएगा, ठीक है, तो चलो एरर लगा देते हैं, एरर लगा दिए डेल z, ऐसे ही एरर लगा देते हैं ना, मतलब डेल z एरर लगा दिए, तो a में भी एरर लगा दो, a में भी एरर लगाए माइनस b प्लस माइनस डेल b, ठीक है, b प्लस माइनस डेल b, है ना, चलो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, अरेंज कर दो, अरेंज कर दिया है। अब a माइनस बी मैंने शुरू में क्या लिया था, a माइनस बी मैंने शुरू में क्या लिया था, z लिया था, z के इक्वल, तो चलो उसको z के इक्वल लिख देते हैं, z इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b, z z कट, मतलब प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b, ठीक है, इसमें भी सेम टू सेम क्या वाला केस आया, एडिशन वाला केस आया, इफ टू क्वांटिटीज आर सम टुगेदर टू मेक अ अनदर क्वांटिटी और थर्ड क्वांटिटी, देन द एरर इन दैट थर्ड क्वांटिटी विल बी इक्वल टू दैट एरर ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी एंड एरर ऑन द सेकंड क्वांटिटी आल्सो, मतलब दोनों का एरर का समेशन, अगर इसमें कोई एरर है तो किसका रहेगा, इसका एरर प्लस इसका एरर, इसका एरर प्लस इसका एरर, अब वो एरर प्लस या माइनस है वो आप डिसाइड करेंगे, वो एरर जो है वो क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उससे जब डिसाइड करेंगे, लेकिन अगर प्लस माइनस है दोनों का क्या होगा, अलजेब्रिक समेशन होगा, जब दो जब क्वांटिटीज हैं वो एक साथ सब्सट्रैक्ट हो रही है तो, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एरर इन मल्टीप्लिकेशन, है ना, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, अभी देखते हम लोग क्या देखें, प्लस का देखिए कि अगर दो क्वांटिटीज के समेशन मिला के एक क्वांटिटीज बन रहा है तो उसमें अगर एरर होगा तो तीसरे क्वांटिटी को कैसे अफेक्ट करेगा वो हम लोग देखिए, है कि नहीं। चलो अब एरर इन मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, मान लो z एक क्वांटिटी थी जो बनी थी a डॉट b से, या फिर a इंटू b से बनी थी, किससे बनी थी, a इंटू b से बनी थी, मान लो z एक क्वांटिटी बनी हुई थी, ठीक है, z इज इक्वल टू एक क्वांटिटी थी, z इज इक्वल टू a इंटू b, है कि नहीं। चलो तो अब इसमें कुछ एरर था, इसमें कुछ एरर था, यहां दीजिए, ठीक है, चलो एरर लगा देते हैं, z प्लस माइनस डेल z यहां पे लिख सकता हूं मैं, डेल z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a, है ना, इसमें भी एरर था, इसमें भी एरर था, b प्लस माइनस डेल b, b प्लस माइनस डेल b, है कि नहीं, डेल z डेल a डेल b, ठीक है, तीनों में मैंने एरर लगा दिया। अब इसमें से मान लो मैं z कॉमन ले आया, ठीक है, इन दोनों में से मान लो मैंने z कॉमन ले आया, z कॉमन ले आया 1, यहां पे इसमें से
चले गया जेड प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड, इसमें जेड कॉमन आया कितना बचेगा, डेल जेड अपॉन जेड बनेगा, ठीक है ना। एक बार करके आप लोग देखिएगा इसको, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम इसमें से ए कॉमन लेके आया, इसमें से ए कॉमन लेके आया, ए कॉमन लाओगे यहां पे बचेगा 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए बचेगा, डेल ए अपॉन ए बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, चलो ठीक है। वैसे इसमें से क्या लेके आऊंगा कॉमन, बी कॉमन लाऊंगा, प्लस माइनस यहां पे क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी बचेगा, डेल बी अपॉन बी बचेगा, है कि नहीं। चलो इसको एक काम करते हैं, अरेंज कर देते हैं, z इंटू वन प्लस माइनस डेल z अपॉन z, ठीक है, प्लस ए बी इंटू वन प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए z, ठीक है, इंटू वन प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी चलेगा, ठीक है, b बचेगा यहाँ पे, है ना। अब a इंटू बी अपन लोग क्या लेते शुरू में, z लिए थे क्या, चलो z लिखते थे यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z इज इक्वल टू z इंटू 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b, डेल b अपॉन b, तो z कटा इधर, इधर भी z कटा, मेरे पास टोटल यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचा मेरे पास 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b, ठीक है, कितना बचा, है ना। एक काम करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको एक काम करते हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, है कि अपने को निकालना क्या है कि डेल z अपना कितना आएगा, डेल z अपना कितना आएगा अपने को ये निकालना है ना, लोग डेल z कितना है वो निकालना है, डेल z अपॉन z अपन लोग निकाल देंगे तो डेल z भी निकल जाना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो उसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस डेल a बाय a प्लस माइनस डेल b अपॉन b प्लस माइनस डेल a अपॉन a इनटू डेल b अपॉन b आएगा। मल्टीप्लाई करके देखिएगा सेम टू सेम ऐसे ही आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो आप लोग सेम टू सेम ऐसे ही आ रहा है कि नहीं। एक बार ये, एक बार ये से मल्टीप्लाई हुआ, फिर हम बता रहे हैं ये से मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, एकदम आसान सी बात है कि नहीं। चलो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 कट, दोनों तरफ 1 कट हो गया, क्या हो गया, तो डेल z अपॉन z इज इक्वल टू डेल ए प्लस ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल ए बाई ए डॉट डेल बी बाई बी, है कि डेल बी बाई बी, इतना हो गया संख्या के इतना आपको, है ना। अब जो डेल ए अपॉन ए डॉट डेल बी अपॉन बी इज वेरी स्मॉल, सो नेगलेक्टिंग, ठीक है, आपको पता है कि एरर जो है बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, आपको पता है कि एरर जो है बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, एकदम थोड़ा सा ही एरर आता है कि, और दो छोटी क्वांटिटीज को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो और ही छोटी वैल्यू आती है, तो वो जो a डेल a बाई a और डेल b बाई जो b रहेगा वो क्या होगा, बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरा क्या रहेगा, डेल z अपॉन z इज इक्वल टू डेल a अपॉन a प्लस माइनस डेल b अपॉन b, यही क्या था, मल्टीप्लिकेशन में एरर का प्रोपगेशन, मल्टीप्लिकेशन में एरर का प्रोपगेशन यही था, ठीक है। ये आपके बोर्ड सोर्स में कभी कभी पूछ देता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर में क्या होता है, डिवीजन में कैसा होता है, इसलिए अपन लोग को ये डेरिवेशन ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है एरर इन डिवीजन, कि अगर दो क्वांटिटीज को डिवाइड करके एक तीसरी क्वांटिटी बनाई गई है तो उसमें कितनी एरर आएगी, अगर दोनों क्वांटिटीज में पहले से ही एरर मौजूद है तो, ठीक है। लेट दैट डिराइव्ड क्वांटिटी बी z, वो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, जेड, जो a और b को डिवाइड करके बनाया है, जो a और b को डिवाइड करके बनाया, ठीक है, वो क्या बनाया, a और b से डिवाइड होकर बनाया, तो z में कोई एरर है, z में कोई एरर है, क्यों एरर, क्योंकि
ए में भी एरर है, देखो मैं साथ साथ लिख रहा हूं है ना, क्योंकि ए में भी एरर है और बी में भी एरर है, बी में भी क्या है एरर है ना, ठीक है। तो इन दोनों के कारण कंबाइंड एरर आ गया आपने, ठीक है, तो हम लोगों से डेल जेड निकाला। चलो एक काम करते हैं, इसमें से भी सेम टू सेम पिछला आपने जो तरीका था वही करते हैं। एक काम करते हैं, इसमें से डेल जेड जो है हम लोग कॉमन ले आते हैं, क्या करना है उसमें डेल जेड कॉमन लेके आना, सॉरी जेड कॉमन लेके आना, क्या लेके आना है जेड कॉमन लेके आया वन प्लस माइनस जेड अपॉन जेड, ठीक है, इज इक्वल टू इसमें से भी ए कॉमन लेके आ गया, इसमें से भी ए कॉमन लेके आ गया वन प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए डिवाइडेड बाय बी इंटू वन प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी, वन प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी है कि नहीं है ना, बस कुछ लिखे ए और बी इसमें कॉमन लिया तो सेट कॉमन लिया, ठीक है। चलो इसको अब इधर लिख दो, आगे देखते हैं इसमें कैसा होगा, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, z इंटू वन प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू ए बाई बी इंटू वन प्लस डेल ए बाई ए अपॉन वन प्लस माइनस डेल बी बाई बी, ऐसा लिख सकता हूं क्या। अब ये जो क्वांटिटी है a बाई बी वो किसके इक्वल है, z के इक्वल है, जैसा मल्टीप्लिकेशन एडिशन वाला सेम टू सेम वैसे, कोई बड़ी चीज नहीं, सेम टू सेम होगा। चलो लिख देते हैं उसको, z इंटू वन प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू ए बाई बी इंटू सॉरी ए बाई बी को मैं आप क्या लेना z लिख देना, ए बाई बी को आप z लिख दे, z इंटू वन प्लस डेल a अपॉन a इंटू वन प्लस डेल b अपॉन b, ठीक है। z z क्या हो गया कट हो गया, z z क्या हो गया कट हो गया है ना, यहाँ पे क्या आएगा वन प्लस डेल z इज इक्वल टू ब्रैकेट में वन प्लस माइनस डेल a अपॉन क्या लिखता हूँ वन प्लस माइनस डेल b अपॉन b ब्रैकेट में। अब एक काम करते हैं, ये जो वन प्लस डेल b अपॉन b है उसको मैं ऊपर लेके जाके शिफ्ट कर देता हूँ, वन प्लस डेल b अपॉन जो b है उसको ऊपर ले जाके मैं शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। ऊपर लेके क्या हो गया उसकी पावर क्या हो गया माइनस वन हो गया, उसकी पावर क्या हो गया माइनस वन हो गया, ठीक है। नाउ बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, आप लोग 11th क्लास में या फिर 12th क्लास में आप लोग क्या आप लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, जब भी ऐसे कोई पावर में आता है उसको क्या करना होता है एक्सपेंड करने का तरीका होता है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। उस बाइनोमियल थ्योरम से इसको हम लोग क्या करेंगे एक्सपेंड कर देंगे, उसकी जो हायर टर्म है उसकी जो हायर टर्म है उसको हम लोग क्या करेंगे नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। नाउ एक्सपेंडिंग बाइनोमियल थ्योरम एंड नेग्लेक्टिंग द हायर टर्म्स, ठीक है, हायर टर्म्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट करने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं होता है, जो ये पावर माइनस में रहता है वो हट गया मान लो, ठीक है। वो बाइनोमियल थ्योरम में आप लोग इसका पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, वो मैथमेटिक्स का पार्ट है आप लोग के लिए, फिर ऐसे करके आप प्लस करके डॉट 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 बहुत सारे क्या आते हैं बहुत सारे टर्म्स आते हैं, ठीक है। उन सारे टर्म्स को हम लोग क्या करना है नेग्लेक्ट करना, कुछ नहीं उसको एक्सपेंड किया बाइनोमियल थ्योरम से, वो भी बहुत सारे बागे टर्म आते हैं उसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। नेग्लेक्ट करने के बाद क्या आएगा, ठीक है, दोनों के काम करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं पिछली बार की तरह सेम टू सेम, है ना।
अब यहाँ पे ये वही सेम टू सेम पिछली वाली कहानी, ये वाली जो वैल्यू वन वन क्या हो जाएगा सबसे पहले तो कट हो जाएगा, वन वन हम लोग सबसे पहले कट कर लेते कोई काम का है नहीं वो, है कि नहीं। और ये वाली वैल्यू बहुत छोटी है, सिंस डेल ए अपॉन ए डॉट डेल बी अपॉन बी इज वेरी स्मॉल सो नेग्लेक्टिंग इट, ठीक है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया है ना, इसको क्या कर दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया, ठीक है। चलो अब इसको नेग्लेक्ट करने के बाद अपने पास क्या बच जाएगा, डेल ऑफ जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी, सॉरी डेल जेड अपॉन यहाँ पे सारे में क्या था डिवाइडेड बाई जेड भी था ना यहाँ पे, यहाँ पे अरे चलो यहाँ पे क्या होगा डेल जेड बाई जेड यहाँ पे आएगा, कॉमन है डेल बाई जेड बाई जेड आएगा, यहाँ पे डेल जेड बाई जेड आएगा, यहाँ पे डेल जेड बाई जेड आएगा, यहाँ पे डेल जेड बाई जेड आएगा, स्टिल भी सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे क्या हुआ था कि थोड़ा सा याद नहीं रहता है चीज, डेल जेड बाई डेल जेड आएगा, यहाँ पे डेल जेड बाई जेड आएगा, डेल जेड बाई जेड आएगा, डेल जेड बाई जेड आएगा, सारे में डेल जेड बाई जेड आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ तक समझना है आपको, यहाँ तक समझना है आपको कुछ नहीं, वहाँ पे डेल जेड बाई जेड अगर यहाँ पे जेड प्लस डेल जेड है उसमें से जेड कॉमन आया तो वन प्लस डेल जेड बाई जेड था, यहाँ पे सारे में डेल जेड बाई जेड लिख जाएगा, ठीक है, डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू क्या आया, ये आया। तो अगर कुछ भी मान लो होता है, ठीक है, मान लो दो अगर जो दो डिवीजन दो क्वांटिटीज को डिवाइड करके क्वांटिटी बनती है उसमें जरा रहता है वो कैसा रहता है, वो कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हम लोग का अगला टॉपिक है एरर इन एक्सपोनेंट, ठीक है। मान लो एक क्वांटिटी है z इज इक्वल टू a की पावर n, ठीक है, z इज इक्वल टू a की पावर n, ठीक है। तो अगर मान लो a में एरर है, नापने में अगर a में एरर आ गया, नापने में अगर a में एरर आ गया है तो z में भी एरर आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि z क्या है a के ऊपर डिपेंड कर रही है, a की पावर n में, ठीक है। तो मान लो z में एरर आ गया डेल z, मान लो z में एरर आ गया डेल z आ गया मेरे पास एरर, ठीक है, और a में एरर आ गया डेल a की पावर n, ठीक है, टोटल की पावर n, ठीक है। अब सेम टू सेम पिछले की तरह हम लोग को डेल जेड में कितना रहा था वो निकालना है, डेल जेड इसके ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है वो मेरे को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से डेल जेड कॉमन ले आएगा, सॉरी इसमें से जेड कॉमन ले आएगा, जेड कॉमन ले आए, वन प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड हो गया, सिंपल, एकदम सिंपल है कि, प्लस इसमें से ए की पावर एन कॉमन आ गया, वन प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए की पावर एन, है कि। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही हो जाएगा, है ना। चलो डेल जेड अपॉन ए की पावर जेड इंटू वन प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू ए की पावर एन इंटू वन प्लस डेल ए अपॉन ए की पावर एन, है ना। अब डेल जेड ये क्या था, ए की पावर एन क्या था, जेड की इक्वल था कि नहीं, देखो यहाँ पे, है ना, इसको मैं लिख देता हूँ, इज इक्वल टू जेड वन प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए की पावर एन, है ना, डेल जेड, डेल जेड कट, ठीक है। क्या बच गया मेरे पास, वन प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू वन प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए की पावर एन, ठीक है, ए की पावर एन, है ना, ए की पावर एन, है ना, ठीक है, समझ में आया था आपको। चलो अब इसको फिर से हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। आप लोग जब मैथ बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो इसको एक बार आना की रिविजिट कर लीजिएगा कि यहाँ पे कैसे होता था, ठीक है, इसको एक बार बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने के बाद आप एक बार रिविजिट करेंगे इसको, है कि नहीं। फिजिक्स ऐसे भी मैथ्स के पार्ट है, डेल जेड अपॉन जेड यहाँ पे क्या लिख देखिए, काम करता है लिख देता हूँ यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंडिंग and neglecting higher order terms, ठीक है, higher order terms हम लोग neglect कर देंगे, ठीक है ना। चलो करके देखते हैं, वन प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू वन प्लस माइनस एन टाइम्स ऑफ डेल ए अपॉन ए, ये binomial theorem में यही है, binomial theorem में क्या होता है, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, आगे बहुत सारे कुछ कुछ आते हैं टर्म्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा, बहुत सारा टर्म आएगा, उन सारे हायर ऑर्डर्स के टर्म को मैं क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा, उन सारे हायर ऑर्डर्स के टर्म्स को मैं क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा, डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू वन प्लस माइनस
एन डेल ए अपॉन ए है कि नहीं। तो ये वन क्या हुआ, कट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, ये वन यहाँ पे कट हो गया, पर आसानी से हम लोग मिल गया डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू एन इन टू डेल ए अपॉन ए, ठीक है, या फिर ना समझ में सिर्फ जो पावर में था वो सामने आ गया, प्लस माइनस यहां रहेगा, ठीक है, सिर्फ जो पावर में था यहां क्या आ गया, सामने आ गया, ठीक है, या फिर इन जनरल मैं लिख सकता हूं, इन जनरल वी कैन राइट दैट, ठीक है, वी कैन राइट दैट अगर z इज इक्वल टू a की पावर p है, ठीक है, और b की पावर q है और c की पावर r है, मान लो कोई z है क्वांटिटी, वो ऐसे डिपेंड कर रही है इन तीनों क्वांटिटीज के ऊपर, a की पावर b, p की पावर q और c की पावर r, दैट p q r आर द एक्सपोनेंट्स 1 2 3 4 एंड एनीथिंग, है कि नहीं। तो जो z में एरर आएगा या फिर जो z में एरर आएगा डेल z अपॉन z विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ P into del A upon A plus Q into del B upon B plus R into del C upon C, ठीक है, सारे जो क्या है वो सामने मल्टीप्लाई हो गए, del A upon A, P into del A upon A, Q into del B upon B और R into del C upon C सारे का summation। तो exponent में जो है वो error ऐसे वैरी होता है, ठीक है, तो यहां तक हमारा जो error वाला portion था वो खत्म था, error वाला portion उतना भी ज्यादा important नहीं है, ठीक है, error वाला portion उतना भी ज्यादा important नहीं है, बहुत छोटा सा chapter है, पहला chapter है हमारा, इसके बाद अपन लोग dimension चालू करेंगे, dimension भी उतना भी important नहीं है जितना होना चाहिए, ठीक है ना, उतना important नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ वो हम लोग को अलग अलग जगह में डायमेंशन निकालने का काम आता है, तो अगले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डायमेंशंस पढ़ेंगे, आप उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, उस चैप्टर के बाद हम लोग चालू करेंगे काइनेमेटिक्स या फिर हमारा जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है।